नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूँ दीपा। गोवा आश्रय केंद्र रुद्रगढ़ नौसी में चार मवेशियों की मौत व एक गंभीर रूप से घायल कर्मी नरादर। मुहेजना विकास खंड के ग्राम पंचायत रुद्रगढ़ नौसी में स्थित प्रदेश के प्रथम मॉडल गोवा आश्रय केंद्र में सोमवार को चार मवेशी मृत एवं एक गाय गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ी मिली। बताते हैं कि मौके पर आश्रय केंद्र में कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं मिला। आसपास के लोगों से पता करने पर जानकारी मिली कि देख रेख कर रहे लोग हड़ताल किए हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि एक ही दिन में चार पांच पशुओं की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या जनपद में तैनात अधिकारियों के बस की बात नहीं कि आश्रय केंद्रों के संचालन की व्यवस्था को सुधार सकें? यदि नहीं तो केंद्र में कैद करके गायों की हत्या किए जाने का पाप क्यों किया जा रहा है? एक बात तो तय है कि अधिकारियों के ढूल मूल रवैये के चलते सरकार छवि धूमिल हो रही है। साथ जनमानस में सरकार के प्रति आक्रोश की भावना जागृत करने का कार्य किया जा रहा है। इस आश्रय केंद्र में पशुओं की मौत की खबरें सर्वाधिक सामने आई हैं कि उसके बावजूद भी वही लोग जिनकी लापरवाही से मौतें हुई अथवा निरंतर हो रही है, उन पर ना तो कोई कार्रवाई का हंटर चला और ना ही दूसरे लोगों को देख रेख के लिए नियुक्त किया गया। कुल मिलाकर इस दर्दनाक स्थिति का जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदार अधिकारी कैसे तय करेंगे? ये सवाल आज तक एक सवाल ही बना है। धानेपुर से उमापति गुप्ता की रिपोर्ट।